नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो छायाणम् अलमो लोये सवशाहुनम् नमो लोये सवशाहुनम् एषो पञ्चेन मुयारो सो पंचिण मोयारो सवपावपनाशिनो सवपावपनासनो मंगलालं च सवेशिं मंगलालं च सवेशिं अधेमं हो मंगलम परमं होइ मंगलम। जय बोलो देवादिदेव एकहजार श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। जय जय अहिंसा परमो धर्म की जय। जय जय परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। जय जय पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। हम सभी सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है और सिद्ध क्षेत्र अपने आप में बड़े पवित्र होते हैं, महान होते हैं, कल्याणकारी होते हैं। पर हम यहाँ सिद्ध क्षेत्र ही नहीं, सिद्ध क्षेत्र में भी जिसका नाम ही है सिद्ध वर कूट, सिद्धों में वर यानी श्रेष्ठ और कूट यानी जिसकी टोंक है, ऊंचाई है, उस सिद्ध क्षेत्र में हम सब यहाँ आए हैं। सवाल करो अपने आप से कि आखिर हम यहाँ क्यों आए, सिद्ध क्षेत्र में आप क्यों आए, क्या उत्तर होगा? किसी का उत्तर होगा महाराज आप हैं, आपके दर्शन करने आना था सो आ गए। और जो क्षेत्र की वंदना के लिए आए वो क्यों आए, या कभी भी किसी सिद्ध क्षेत्र में आप जाते हैं तो क्यों जाते हैं, क्या जवाब है आपका? हाँ क्या उनके जैसा बनना है, सिद्ध बनने के लिए सिद्ध क्षेत्र आते हैं ना? हैं बंधुओं, आज सिद्ध बनने की कोई सुविधा नहीं है, हम सिद्ध नहीं बन सकते। कितना ही करो इस काल में सिद्ध बनना संभव नहीं है। तो महाराज सिद्ध बनने के लिए हम नहीं जा सकते, सिद्ध नहीं बन सकते तो फिर क्या करें, फिर आए नहीं? आप तो उल्टा बोल दे, लेकिन हमको तो आना है, आना है, क्या करूं? सिद्ध बनने के लिए हम सिद्ध क्षेत्र में नहीं जाते। आज सिद्धि नहीं है पर शुद्धि है। क्या है? हम सिद्ध बनने के लिए नहीं, शुद्ध बनने के लिए क्षेत्र पे जाते हैं।
और शुद्ध बनना है, किसको किसको बनना है शुद्ध? हाँ, जो अशुद्ध है उसको शुद्ध बनना है। अशुद्ध कौन है अपने मन से सवाल करो। आप अपने आप को शुद्ध मानते हो या अशुद्ध है? हाँ, क्या अशुद्धि है, क्या अशुद्धि है बोलो? दिख रहा है कर्मों का बंधन, फिर कहाँ अशुद्धि? ये रटे रटाए शब्द, कहाँ अशुद्धि है? मन में अशुद्धि है, वाणी में अशुद्धि है, व्यवहार में अशुद्धि है। मन वाणी और व्यवहार की अशुद्धि का निवारण करने का नाम ही शुद्धि है। और जब शुद्धि होगी तब सिद्धि होगी। तो आज बात मैं वहीं से प्रारंभ कर रहा हूं। सिद्ध क्षेत्र में आने का सुयोग मिला है, सिद्ध क्षेत्र से ही सिद्ध क्षेत्र में आए। बावन गजा भी सिद्ध क्षेत्र था और सिद्धवर कूट भी सिद्ध क्षेत्र। ये निमाड़ मालवा का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, चाहे बावन गजा के आदिनाथ हो, चाहे सिद्धवर कूट के संभवनाथ भगवान हो, ये तो क्षेत्र है अत्यंत पवित्र मनोरम क्षेत्र, जहाँ ध्यान लगाने की जरूरत नहीं होती, अपने आप लग जाता है। ऐसी जगह है किसके लिए? शुद्ध बनने के लिए, अपनी अशुद्धि का निवारण करने के लिए। आप लोगों ने अभी कहा कि हमारा मन अशुद्ध है, हमारी भावना अशुद्ध है, हमारे विचार अशुद्ध हैं, हमारी वाणी अशुद्ध है, हमारा व्यवहार अशुद्ध है। चार की बात करता हूँ, भावना की अशुद्धि, विचारों की अशुद्धि, वाणी की अशुद्धि और व्यवहार की अशुद्धि। इन चारों का निवारण कैसे हो? सबसे पहले हम अपनी भावना की विषय में विचार करें। भावना की शुद्धि, अच्छी भावना हो। मन में भावना होती है, शुभ भी होती है, अशुभ भी होती है। जिस तरह की भावना होती है, हमारा चिंतन, हमारा विचार वैसा हो जाता है, और जैसा चिंतन विचार होता है वैसी वाणी फलती है, और जैसी वाणी होती है वही व्यवहार में उतर जाता है। यह है ना? तो अपने भावना की पड़ताल करें, मेरी भावना में क्या स्थिति है, शुद्ध है या अशुद्ध है, शुभ है अथवा अशुभ। जब हम विचार करते हैं अपनी भावना का, तो कब हम अपनी भावना को अच्छी मानते हैं और कब हम अपनी भावना को बुरी मानते हैं, कभी आपने सोचा? किस घड़ी में हमें हमारी भावना अच्छी दिखती है और किस घड़ी में हमें हमारी भावना बुरी दिखती है? चलो अपनी छोड़ दो, दूसरों की भावनाओं को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं कब किस भावना को अच्छी और किस भावना को बुरी कहेंगे, किसे सही और किसे गलत कहेंगे, किसे शुद्ध और किसे अशुद्ध कहेंगे। जब तक हम इसकी पड़ताल न कर ले, तब तक उसके निवारण का उपाय क्या होगा बोलिए? कौन सी भावना दूसरों की, कौन सी भावना अच्छी और कौन सी बुरी? जो अपने अनुकूल है वो अच्छी, और जो अपने अनुकूल नहीं है वह बुरी। नहीं, ये भावना नहीं है, ये तो व्यवहार है। भावना किसको बोलते हैं? जो निर्मल है उसे अच्छी और जो मलिन है उसे बुरी। निर्मल कौन? जिसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ ना हो, छल ना हो, छद्म ना हो, विकार ना हो, वो निर्मल भावना है। लेकिन जिसमें स्वार्थ, छल, छद्म, विकार है, वो अशुद्ध भावना है, वो बुरी भावना है, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो दुर्भावना है। हमें अपनी दुर्भावना को दूर करना है। अपने मन से पूछो, भावनाओं का ज्वार उत्पन्न होता है, किसका पुट अधिक होता है, अच्छी भावना का या बुरी भावना का? हाँ,
अच्छी भावना का। एक भले मनुष्य की यह पहचान है जिसके अंदर अच्छी भावना की अभिवृद्धि हो, अच्छी भावना की हिलोर हो, वो एक अच्छा मनुष्य कहलाता है, और जिसके हृदय में दुर्भावनाएं पनपते रहती है वो एक बुरे मनुष्य की भांति जाना जाता है। अपने मन को टटोलो, मेरे अंदर कैसी भावना है। भावनाओं का प्रभाव तो हम सबके जीवन पर पड़ता है। अपनी भावना को देखें, क्या भाव आता है। देखिए, अपनी भावना को पड़ताल करने का एक तरीका, आप इस क्षेत्र पे आए हैं और क्षेत्र में आते ही आप उतरे और आपने यहाँ आकर के सबसे पहला प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया। किसी भी क्षेत्र में जाते हो कौन सा प्रश्न करते हो, रुकने की कैसी व्यवस्था है, सुपर डिलक्स सुविधा है या नहीं, एसी है या नहीं, पहला क्वेश्चन है ना। एक भावना ये है। और दूसरी भावना, भैया मंदिर कितने बजे खुलता है, भगवान का अभिषेक कब होता है, पूजन अर्चन की क्या व्यवस्था है, नज़र दौड़ा के देखो कहाँ बैठ कर के सामायिक करूँ, कहाँ बैठ कर के स्वाध्याय करूँ, कहाँ बैठ कर के ध्यान करूँ। अपने मन से पूछो, सिद्ध क्षेत्र में आने के बाद कौन सा भाव उमड़ता है, पहले वाला या बाद वाला। क्या हो गया, पकड़े गए, कहाँ हम महाराज, क्या करे, आदत हो गई है। सुख सुविधाओं में जीने के आदि और अभ्यासी हो जाने के कारण मनुष्य पहली बार में सबसे पहले वो सोचता है। मैं तुमसे कहता हूँ ठीक है, आधारभूत सुविधाओं का उपभोग करो, लेकिन वो सेकेंडरी होनी चाहिए। उन सब में तो मैं रोज करता हूँ, पहले भगवान के दर्शन तो करूँ, पहले हम जिस भाव से यहाँ आए उसकी तो पूर्ति करूँ, जो मेरा लक्ष्य है उसका तो लाभ लूं। वो नहीं हो पाता क्योंकि हमारा मन चंचल है। हमारे मन में संस्कार जैसे होते हैं वैसी हमारी भावना बन जाती है। बात पहली है भावना की शुद्धि। क्या करें, अपने भावनाओं की शुद्धि करना चाहते हैं तो जो आप चाहते हैं, देखिए भाव कहाँ से उत्पन्न होते हैं, हमारे सबकॉन्शियस में जो संस्कार होते हैं वो प्रगाढ़ बन जाते हैं, वही हमारी स्थायी भावना का रूप ले लेते हैं, और जैसी हमारी भावना होती वैसा ही हमारा चरित्र बन जाता है। तो हम अपने मन में, जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं, सबकॉन्शियस मन होता है, उसमें 24 घंटे जिस तरह के संस्कारों को फीड करते रहते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्थायी रूप से अंकित हो जाता है, और वही उभर उभर कर हमारी स्थायी भावना का रूप ले लेता है। जिस व्यक्ति की भावधारा जैसी होती है उसका चिंतन और चरित्र वैसा ही बन जाता है। अपनी भावधारा को टटोले, एक अच्छी भावना से भरे हुए व्यक्ति के अंदर आप देखेंगे तो कभी भी हिंसा की भावना उसके अंदर नहीं होगी, बैर विरोध की भावना नहीं होगी, ईर्ष्या राग द्वेष की भावना नहीं होगी, विषय विकार के भाव उसके अंदर नहीं होंगे। वो एकदम निष्कलुष सहज जीवन जिएगा और उसी तरह अपने जीवन को बढ़ाएगा। लेकिन दूसरी तरफ व्यक्ति हर चीज में उल्टी तरीके से देखेगा क्योंकि उसकी भावनाओं के संस्कार वैसे हैं। तो आज मैं भाव शुद्धि से अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूँ कि भाव शुद्धि करने के लिए सबसे पहले करें तो क्या करें। भाव शुद्धि करना है तो भाव शुद्धि के लिए क्या करें, नित्य एकांत में बैठ करके मंगल भावनाएं भाएं, शुभ भावना भाव, प्रार्थना करो भावना भाव, बार 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 उन बातों को दोहराओ तो आपकी भाव शुद्धि होगी। भावनाओं की आवृत्ति से भाव शुद्धि होती है। जो मैं होना चाहता हूँ, जो मैं पाना चाहता हूँ, जो मैं बनना चाहता हूँ, जैसा मैं रहना चाहता हूँ, वैसी भावना बार 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 भाइये। मनोविज्ञान की भाषा में इसे कहा जाता ऑटो सजेशन।
ये बार बार दोहराएंगे, इन भावनाओं की आवृत्ति होने से आपकी भावधारा में आमूलचूल परिवर्तन होगा और भावनागत अशुद्धि समाप्त हो जाएगी। अनेक लोग मेरे संपर्क में जो कहते हैं, महाराज हमारी भावना पहले बिल्कुल अलग थी, अब भावना अलग हो गई, पहले हमारे मन में धर्म ध्यान का कोई भाव ही नहीं होता था, अब तो उसके बिना रहा नहीं जाता, पहले मेरे मन में मौज मस्ती की भावना होती थी, अब त्याग तपस्या की भावना हो गई, पहले मैं भोग विलास में रमता था, अब व्रत उपवास में मेरी रुचि बढ़ गई। ये भावना का परिवर्तन दिखता है कि नहीं दिखता? आप जो होना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं या जैसे रहना चाहते हैं, उसकी भावना भाइये अशुद्धि का निवारण होगा, उसी से भाव बदलेंगे और भाव सुधरेगा तभी भाव सुधरेगा, और कोई रास्ता नहीं है। एक भाव है जो हमें नीचे ले जाता है और एक भाव है जो हमें पल में ऊपर चला देता है। हमें अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए। कई लोग भावनाओं के बहाव में कभी कभी एकदम से बह जाते हैं, अपना आत्म नियंत्रण खो देते हैं और नियंत्रण खोते ही उनका सत्यानाश होता है। देखिए, सिद्धि के लिए चार बातें मैं आज आप सबसे कह रहा हूँ, कैसे हम सिद्धि की दशा में पहुंचेंगे। शुद्धि, आज शुद्धि की बात नहीं करूंगा, शुद्धि की बात कर रहा हूं। शुद्धि के लिए चार चरण पर हमें काम करना है। सबसे पहले निषेध, दूसरे चरण में नियम, तीसरे चरण में नियंत्रण और चौथे चरण में शुद्धि। क्या करना है? निषेध, नियम, नियंत्रण और शुद्धि। भावना से हम अपनी बात की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को दुर्भावनाओं से बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले ऐसी उभरने वाली दुर्भावनाओं का निषेध अपने मन में करें। नहीं, मुझे ऐसे भाव नहीं रखने, मुझे अपने भावों को गिराना नहीं है, नहीं मुझे अपने अंदर कलुषता नहीं पनपने देनी है, नहीं मुझे दुर्भावनाओं का शिकार नहीं होना है, इस बात का निषेध यदि हमारे मन मस्तिष्क में अंकित हो गया तो फिर आप भावनाओं के बहाव में नहीं बहेंगे। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, कभी किसी की हत्या करने का भाव आपके मन में आया? क्यों नहीं आया? कितना भी मेरा वैरी हो, कितना भी मेरा शत्रु हो, चाहे कैसा भी दुश्मन हो, किसी की हत्या करने का भाव तो नहीं आया होगा। सामने वाले का नुकसान करने का भाव आ सकता है, उसका अहित करने का भाव आ सकता है, उससे बदला लेने का भाव आ सकता है, या अन्य प्रकार का और कोई दुर्भाव आ सकता है, पर तुम्हारे मन में कभी किसी की हत्या का भाव क्यों नहीं आया? दुनिया में बहुत सारे हत्यारे भी हैं और भाव से ही हत्या करते हैं, पर तुम्हारे मन में क्यों नहीं आया? हाँ महाराज, औरों की हत्या की बात तो छोड़ो, हम तो चीटी मारने की भी भावना नहीं रखते। क्यों? हमने कोड डाल रखा है निषेध का अपने सबकॉन्शियस में, ये कार्य मुझे नहीं करना है। नतीजा, जब कभी ऐसी स्थितियां आती भी है तो हम उतने नीचे स्तर तक नहीं गिरते। अब मैं आपसे केवल इतना ही कहता हूं, अपनी शुद्धि करना है तो इसको कोडिंग को अपग्रेड कीजिए, निषेध का दायरा बढ़ाइए। किसी की हत्या करने का मेरे मन में भाव नहीं है, लेकिन मैं आगे बढ़ूं तो किसी से बदला लेने का भाव मेरे मन में ना हो, किसी को धोखा देने का भाव मेरे मन में ना हो, किसी को अपमानित करने का भाव मेरे मन में ना हो, किसी को लज्जित करने का भाव मेरे मन में ना हो, किसी को प्रताड़ित करने का भाव मेरे मन में ना हो, किसी का शोषण करने का भाव मेरे मन में ना हो, ये अगर कोड मैंने अपने भीतर डाल दिया तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि मैं सबके हित की ही बात सोचूंगा, अहित की भावना मेरे मन में कभी आएगी ही नहीं। कोड चाहिए। कलुषताएं तब समाप्त होती है। ये बात हमारे मनोमस्तिष्क में अंकित होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिनसे बचना है उनका निषेध।
ये काम नहीं करना है, निषेध। हमारी साधना में एक शब्द आता है संवर, यानी रोको, रोको। कर्म को रोकने का मतलब क्या, क्रिया को रोकोगे तब तो कर्म रुकेंगे, भाव को रोकोगे तब तो कर्म रुकेंगे। तो हम अपने मन में ये बात अच्छे से बिठाल दें कि ये कार्य, ये भावना मेरे मन में नहीं पनपनी चाहिए। कभी कभी आप अपनी भावनाओं का खेल देखिए, अच्छे विचार होते हैं, भावना गलत होती है। महाराज ये क्या, अच्छे विचार में गलत भावना। क्या आपके मन में विचार आया कि मंदिर जाऊं, मंदिर गए हो, भगवान के दर्शन कर रहे हो, और भगवान के दर्शन करते करते किसी युवती के अच्छा चेहरा दिख गया, मन डोल गया, भावना बिगड़ गई, होता है, कईयों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस है। कई लोगों ने अपने अनुभव मुझसे साझा भी किए, ये केवल उदाहरण है। हो सकता है किसी युवती पर तुम्हारा दृष्टि न जाए, तुम्हारी दृष्टि न जाए, पर किसी के आभूषण पर तुम्हारी दृष्टि जा सकती है, किसी के वैभव पर तुम्हारी दृष्टि जा सकती है, या तुम्हारे भावों में कुछ और भी आ सकता है, होता है। क्या हुआ ये भावनाओं का स्खलन है, करने हम कुछ जा रहे थे और किया कुछ। ये मन की बहुत बड़ी दुर्बलता है, और जब हम इस दुर्बलता को दूर करते हैं तब कहीं जाकर अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। तो यही निषेध, क्या करो, मंदिर आया हूं, मन इधर उधर भाग रहा है, नहीं, मन में कोई अलग भावना आ रही, नहीं, तेरी बात बाद में, अभी तो केवल प्रभु से बात, अभी तो केवल प्रभु से बात, अभी तो केवल प्रभु की बात, बाकी बातें बाद में। यह है निषेध। आप देखिए जितने भी क्रिएटिव काम करने वाले लोग होते हैं ना, फोन बाजू में पड़ा रहता, उनका कॉल भी आते रहते हैं, लेकिन वो उस तरफ देखते तक नहीं है ना, उसकी तरफ देखते भी नहीं, तब वो अपना कुछ अच्छा कर पाते हैं, वो अपने काम में मगन हो गए। एक सज्जन है, बहुत व्यस्ततम व्यक्ति है, तो उनका ये हाल रहता है कि वो कभी किसी का कॉल उठाते नहीं, जब उनको कॉल करना होता तभी कॉल करते हैं। तो मैंने एक दफ़े उनसे पूछा कि भाई आप ऐसा कैसे कर लेते, आप काम करते हो, लोगों का कॉल आता रहता, फ़ोन और दूर रखते, तो क्या मतलब फ़ोन बाजू में रहता है, फ़ोन बाजू में रहता है। फिर बोले महाराज हम काम में इतना डूब जाते हैं कि फ़ोन दिखता ही नहीं, साइलेंट मोड में पड़ा रहता, उधर ध्यान ही नहीं जाता, जब काम करना है तो केवल काम करना है, उस समय हम अपने दिमाग में एक बात लगा के रखते हैं कि अभी मुझे केवल काम करना है, बाकी बातें हावी नहीं हो पाती। और जिनके अंदर ऐसा निषेध नहीं है वो क्या करते हैं, कईयों का तो उल्टा अभ्यास है, थोड़ी देर घंटी नहीं बजी तो बार बार फ़ोन उठा के देखते, किसी का कॉल तो नहीं आया, किसी का कॉल तो नहीं आया, किसी का कॉल तो नहीं आया, होता है। ये एक उदाहरण है, ये इस बात का प्रमाण है कि आप अपने मन में जो बात बिठा दोगे आप उसे करने में सक्षम बन जाओगे, पर आप बिठाना ही पसंद नहीं करते। लोगों की दशा तो ये, हो जाए तो ठीक और ना हो तो ठीक, कैसे काम चलेगा। तो पहली बात निषेध, भावों में, विचारों में, वाणी में, व्यवहार में। अभी भाव की बात की, निषेध में विचारों की बात कर लो। विचार, नकारात्मक विचार, भावना और विचार प्रायः हम लोग एक मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। विचार हमारे अंदर का चिंतन है, लेकिन भावना जो चिंतन में स्थिरता आ जाती है, भावना एक ललक का रूप रखते हैं और विचार में एक प्रवाह रहता है। मेरे मन में कोई भाव आया, उस भाव के प्रति, जैसे मान लीजिए किसी के मन में आम खाने का भाव आया, आम खाने की भावना है, तो बस आम 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 आम,
ये भावना है। लेकिन उस आम का स्वरूप कैसा है, आम को खाने की प्रक्रिया कैसी है, आम लाएंगे कहाँ से, आम पाएंगे कैसे, आम खाएंगे कैसे, यह है विचार। समझ गए? तो भावना हमारे अंदर अच्छी हो, विचार अच्छे होंगे। भावना खराब होगी, विचार खराब होंगे। जैसे हम अपने भावों पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, निषेध करते हैं, वैसे ही विचारों में भी निषेध करें। मनुष्य के अंतरंग में बुरे विचार प्रायः उत्पन्न होते रहते हैं, अच्छे विचार कम होते हैं। बुरे विचार, उल्टी बातें दिमाग में जल्दी घुसती है। हमें जब कभी भी मन में ऐसे विचार आने लगे तो हम उसका भी निषेध करें, नहीं, ऐसे विचारों से मुझे प्रभावित नहीं होना, मुझे यहाँ रुकना है, मुझे यहाँ रोकना है। अपने आप को रोके, और कैसे रोके, जैसे ही आपको आभास होने लगे कि मेरे मन में ये दुर्विचार उत्पन्न हुए हैं, तुरंत अपने आप को रोक के अपनी निंदा गढ़ा कीजिए। हाय, मैंने ये बुरा विचार किया, मेरे मन में ऐसा विचार नहीं होना चाहिए, मैं इसकी निंदा करता हूँ, मैं इसकी गढ़ा करता हूँ, मैं इसका परित्याग करता हूँ, और नौ बार नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दे। ये आपके विचार शुद्धि में एक सशक्त माध्यम होगा। पानी में जब कभी भी आपके मुख से अशुद्धि हो, अब शब्द बोल दें, कर्कश वचन बोल दें, कठोर वचन बोल दें, मर्मघाती वचन बोल दें, जिसे हम दुर्वचन कहते हैं, ऐसे दुर्वचन मुख से जैसे ही निकले, तुरंत अपने आप को रोको और मन ही मन धिक्कारो कि मैंने ये किया, ये गलत है। और सुबह से अपने मन में ये कहो कि मैं अच्छी भावना रखूँगा, अच्छे विचार रखूंगा, अच्छी वाणी बोलूंगा और अच्छा व्यवहार करूंगा। ये अगर कोड हमारे मन में चले जाए, निषेध का, जो मुझे नहीं करना वो नहीं करना, तो हम बच जाएंगे, वैसे विचार हमारे मन में नहीं आएंगे। अमूमन आपके मन में उल्टे पुल्टे विचार 24 घंटे आते रहते हैं, लेकिन जब गुरुओं के पास बैठे होते हो या भगवान के पास होते हो, तब आपके विचार कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं। कोई कर्म फूटा कोई होगा जिसका गुरु चरण में या भगवान की शरण में आए, तो बुरी भावना हो या बुरे विचार हो, है ना, मन तो वही है तुम्हारा। मंदिर की देरी से उतरते ही तुम्हारे मन में कोई और विचार, गुरुओं के कक्ष से बाहर निकलते ही तुम्हारे मन में कोई और विचार, ये तो हो सकता है। लेकिन जितनी देर प्रभु की शरण में हो, जितनी देर गुरु के चरण में हो, उतनी देर तुम्हारे विचार कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं। क्यों? अभी गुरु कुछ बोल नहीं रहे, तुम चुपचाप बैठे हो, उनके सानिध्य में हो, फिर भी तुम्हारे मन में विचार अच्छे हैं। क्यों? कोड है माइंड में, यहाँ पर विचार अच्छा रखना है। और हम अपने विचारों को अच्छा बनाने की भावना से ही तो यहाँ आए हैं। मतलब साफ है, जहाँ जहाँ हम निषेध का कोड लगा देंगे, हमारा मन अपने आप ढल जाएगा, वाणी भी ढल जाएगी। आपके मुख से कैसे भी अनाप शनाप अनर्गल शब्द निकलते हो, बहुत सारे लोग हैं जो गाली गलौज करते हैं, लेकिन कुछ जगह है कि वे बड़े सभ्यता से पेश आते हैं, बड़े संयत स्वरों का प्रयोग करते हैं, वहाँ उनके पास पूरी सभ्यता रहती है। होता है, कई जगह ऐसा होता है, आपने देखा होगा। कितना भी बुरा वचन कहने वाला व्यक्ति कभी कभी बड़ा सहज और शांत रहता है, कुछ की जगह एकदम लठ छाप जवान चलाने वाला व्यक्ति भी अगर अपने बॉस के सामने हो तो क्या हो गया, यहां नहीं बोल सकता। क्यों? निषेध है, बैठा है एकदम। मनोवैज्ञानिक सत्य से समझिए, चाहे जैसे चाहे जिसके साथ चाहे जैसा व्यवहार हो, लेकिन कुछ जगह वो व्यक्ति अपना व्यवहार संयत रखता है। क्यों? कुख्यात अपराधी भी, खूंखार अपराधी भी जब अदालत के कटघरे में खड़ा रहता, उसका व्यवहार कैसा होता है? उसकी वाणी, उसकी भाषा,
उसका व्यवहार सब संयत रहता है। क्यों वहां क्यों इतना शांत हो गया? दिमाग में बैठा है निषेध। समझ में आ गया? तो पहली बात क्या करनी है आज? निषेध। किसका निषेध करना है? अशुद्ध भावना का, अशुद्ध विचार का, अशुद्ध वाणी का, अशुद्ध व्यवहार का, एकदम निषेध। फिर क्या करना है? नियम लेना है। नियम क्या लेना है? संकल्प लेना है, प्रतिज्ञा लेनी है। क्या? पॉजिटिव। अब मैं शुभ भावना रखूंगा, मैं शुभ भावना रखूंगा, मैं अपनी भावना को निर्मल रखूंगा। ये अंदर का संकल्प। मैं अपने विचार अच्छे रखूंगा, मैं अपनी वाणी अच्छी वाणी बोलूंगा और व्यवहार मधुर रखूंगा। शुभ भावना, शुद्ध विचार, मधुर संभाषण, प्रिय संभाषण और मधुर व्यवहार, ये हमारे जीवन का आधार है। ये नियम लो। ले सकते आप नियम? यथा संभव अपनी भावनाओं को कलुषित नहीं रखूंगा। कम से कम ज्यादा जगह नहीं रख सको तो इतना तो करो कि जितनी देर धर्म के कार्य में लगूंगा उतनी देर अशुभ भावना नहीं रखूंगा। माँ बाप के पास रहूंगा तो अशुभ भावना नहीं रखूंगा, उस समय अशुभ विचार नहीं रखूंगा, उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा, उनके साथ गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। कुछ तो क्राइटेरिया बनाओ, नियम ले लो। महाराज नियम तो ले ले, पर नियम लेने के बाद जिस चीज का नियम लेते उधर ही मन भागता है। कहते निषेध में ज्यादा आकर्षण होता है ना? वो कहानी पता आपको, टूटे चप्पल सलाई टमाटर की, सुना दूं? देखो प्रसंग में अच्छा प्रसंग याद आ गया। एक राजा था जिसके सिर में बाल नहीं थे। अब उसको एक सनक चढ़ी कि मेरे सिर में बाल उगाए, जो भी वैद्य आए दवाई करे और बाल ना उगे तो राजा वैद्य को सूली पे चढ़वा दे। सारे वैद्यों में भी खलबली, कोई वैद्य उसका इलाज करने के लिए आना नहीं चाहता था। अब बाल उगे नहीं, अब क्या करे? पर राजा को एकदम सनक है कि मुझे बाल चाहिए, बाल चाहिए, बाल चाहिए। तो ज़्यादातर तो वैद्य ये बोल देते थे कि इसका कोई इलाज नहीं, तो वो और क्षुब्ध हो जाता था, सबको राजदंड का दे देता था। एक बार एक अनुभवी वैद्य पहुंचा। राजा ने जब देखा, दिखाया तो बोला, महाराज आपका बाल तो एक सप्ताह में आ जाएगा, एक सप्ताह में बाल उगाएंगे, मेरे पास ऐसा रसायन है, आपको मैं औषधि दे रहा हूँ, पर एक परहेज करना होगा। बोले मैं खाने पीने में कोई परहेज नहीं कर सकता। बोले खाने पीने में कोई परहेज नहीं करना है, केवल कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखना आपको। बोले क्या करना है? बोले दो चीज का ध्यान मत रखना, नहीं तो दवाई काम नहीं करेगी। बोले क्या? बोले टूटे चप्पल और सड़े टमाटर। टूटे चप्पल सड़े टमाटर का तो मेरा कभी कोई काम ही नहीं पड़ा, मैं इसका क्या ध्यान रखूंगा? बोले हाँ, बस आपको जो करना है, जो खाना है, जो पीना है, जैसे रहना है रहो, पर क्या करना है? टूटे चप्पल सड़े टमाटर, इसका ध्यान नहीं करना। अब क्या था, राजा ने सोचा तो बहुत बढ़िया, आप तो मेरे को दवाई मिलेगी। अब दवाई जैसी मुंह में डाला, टूटे चप्पल सड़े टमाटर, टूटे चप्पल सड़े टमाटर, बार 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 उसके मन में एक ही बात, टूटे चप्पल सड़े टमाटर, टूटे चप्पल सड़े टमाटर, टूटे चप्पल सड़े टमाटर। अब वो क्या करे, वो वैद्य के पास गया, बोला भैया अब हमें बाल नहीं चाहिए, तुम तो टूटे चप्पल सड़े टमाटर से हमें बचा दो, जिसके बारे में हम कभी सोचते नहीं थे, अब अक्सर टूटे चप्पल सड़े टमाटर आते। ये एक मन की दुर्बलता है। जिस चीज को हम नहीं चाहते वही चीज हम पर अक्सर हावी होती है। नियम ले लेने के बाद मन ज्यादा दोलायमान हो जाता है, लेकिन निषेध करने मात्र से काम नहीं होगा। संकल्पित होइए, आप संकल्पित होंगे और नियम में दृढ़ रहेंगे तो आपकी मर्यादा टूटेगी नहीं। और कदाचित नियम होने के बाद भी मन चलने लगे तो नियंत्रण करो। किसके बल पर? अपने ज्ञान के बल पर, अपनी समझ के बल पर। नहीं, मन से कहो भैया ये तो मैं नियम ले चुका हूँ,
मैंने तो इसका निषेध कर लिया, ये कर्म मुझे नहीं करना है तो नहीं करना, ये क्रिया मुझे नहीं करनी है तो नहीं करनी, ये प्रवृत्ति मुझे नहीं करना है तो नहीं करना, ये व्यवहार से मुझे दूर रहना है तो दूर रहना है। बुद्धि पूर्वक नियंत्रित करना होगा अपने आप को। अगर आप नियंत्रण की क्षमता खो बैठते हैं तो आपका कोई नियम कभी नहीं पलेगा। नियंत्रण चाहिए। मुझसे एक बार एक युवक ने सवाल किया, बहुत पुरानी बात है, 1992 की, विदिशा में प्रवास था, तो विदिशा में गर्मी थी, भयंकर गर्मी वहाँ भी पड़ती, निमाड़ जैसी, 47-48 डिग्री टेम्परेचर, गर्मी प्रचंड। उसी बीच मुझे 3 अंतराय हो गए। शुरुआत में एक इंजीनियरिंग का छात्र था, उसने मुझसे सवाल किया, महाराज जी इतनी भयंकर गर्मी, मैं देख रहा हूँ 3 दिन से आपका आहार नहीं हुआ, क्या आपके मन में पानी पीने की इच्छा नहीं होती? आपके मन में भी ऐसा सवाल कभी आया होगा? नहीं आया तो आना चाहिए, आ सकता है। उसने मुझसे पूछा, क्या महाराज जी आपके मन में कभी पानी पीने की इच्छा नहीं होती? मैंने कहा नहीं। बोले महाराज कैसे? बोले देखो, यही अंतर है तुम्हारे और हमारे मन में। हम लोग आहार के लिए जाते हैं, आहार की क्रिया करते हैं, और जैसे ही कुछ गड़बड़ हुआ, अंतराय आया, अपने मन से उसी क्षण कह देते हैं कि भाई देख, तेरे खातिर आज मैंने गृहस्थों के आगे अपने हाथ फैलाए, जो मिला सो मिल गया, अब तेरे भाग्य का नहीं था तो तुझे इतने में ही संतोष करना पड़ेगा, अब अगले 24 घंटे तक कोई विकल्प नहीं है। मन को मानना पड़ता है। कदाचित मन जाए भी तो तुरंत मन को रिवर्ट करते हैं, नहीं अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि हमने अपने मन में निषेध और नियम बांध रखे हैं। नहीं, नियंत्रण होता है। मन चलायमान कैसे होगा? जब तक हम नहीं चाहेंगे मन चलायमान नहीं हो सकता। मन में स्थिरता अपने आप आती है। अगर आपका अभ्यास है, जिस चीज़ का मैंने निषेध कर दिया, नियम ले लिया, उनमें व्यक्ति की दृढ़ता रहती है। निषेध नहीं है, नियम नहीं है, आप नहीं करते हो तो भी कभी करने का मन चल सकता है। समझने के लिए, आपने रात्रि भोजन का कोई निषेध नहीं है, रात्रि भोजन का कोई नियम नहीं है, भले आप खाते नहीं हैं लेकिन कभी मौका आए तो खा सकते हैं। नियम नहीं है, किसी ने ऑफर किया, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मेरी इच्छा नहीं है, भाई थोड़ा सा ले लो, एक पीस ले लो, एक पीस ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है? आपका नियम नहीं होगा तो आप सोचोगे चलो सामने वाले का मन रखने के लिए ले लिया जाए, होगा? लेकिन नियम होगा तो क्या हुआ? नहीं भैया ये काम मैं नहीं कर सकता। आज भी आपके बहुत सारे नियम होंगे जिन्हें आपने अपनी इच्छा और प्रेरणा से लिया। अगर उस नियम को तोड़ने की बात आती तो आप तोड़ने को राजी होते क्या? क्यों? मैंने निषेध बना रखा, नियम है, और अभी यदि कदाचित मन चंचल होए भी या कोई दूसरा चंचल करने का प्रयास भी करे तो हम नियंत्रित कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। तो वो नियंत्रण की क्षमता अपने भीतर विकसित होनी चाहिए। वो अगर विकसित हो गई तो हमारा जीवन व्यवहार ही बदल गया। हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की दुर्बलता का शिकार होता है और मौके पर अपना नियंत्रण खो बैठता है, और जब जब व्यक्ति अपना नियंत्रण खोता है उसका बंटा धार होता है। आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, मान लो आता हो, आता ही होगा, निषेध करो, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है। पहला निषेध, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, ये बात अपने अंदर गहराओ। और दूसरा नियम लो, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, ये बात अपने मनोमस्तिष्क में अंकित कर लो। गुस्सा नहीं करना है तो मुझे शांत रहना है, प्रतिक्रिया नहीं करना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। ये बात यदि तुम्हारे सबकॉन्शियस में एक बार भी बैठ गई अच्छे से,
तो गुस्सा अंदर से उभरता भी होगा तो दूसरा संस्कार उभरेगा, वो कहेगा शांत रहना है चुप बैठ, शांत रहना है चुप बैठ, शांत रहना है चुप बैठ। और यही प्रतिक्रिया तुम्हें नियंत्रित करने की क्षमता देगी। इसके बल पर जो अगर गुस्से का आवेग आ भी रहा हो तो उसे नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन ये नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो निषेध, नियम, फिर नियंत्रण, मुझे कंट्रोल करना है। जो भी मैंने नियम लिया उसको कंट्रोल में रखना है, चाहे भावना की बात हो, चाहे विचारों की बात हो, चाहे वचनों की बात हो या व्यवहार की बात हो। बुरी भावना आए तुरंत रोकिए, बुरे विचार आए तुरंत रोकिए, दुर्वचन हो तो उसे रोकिए, नियंत्रित करने की कोशिश कीजिए। और बुरा व्यवहार सदैव नियंत्रित रखिए तो आपका व्यवहार अपने आप संतुलित और सहज हो जाएगा। नियंत्रण, ये तीनों चीजें हो गई तो क्या होगा? शुद्धि। किसकी? भाव की, विचारों की, वचनों की, व्यवहार की। और ये चारों की शुद्धि हो गई तो सिद्धि, फिर कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो वो परम सिद्धि को हम सब प्राप्त कर सके, उस तरफ हमारी दृष्टि और भावना जगे, ये प्रयास सबको करना चाहिए। तीर्थ क्षेत्रों की वंदना के लिए आप लोग आते हैं, तीर्थ क्षेत्रों में आओ तो अपना अंतर विश्लेषण करो, अपने आप को देखो एक जगह सहज शांत बैठ करके, रोजमर्रा की जिंदगी से हट करके कुछ देखने की कोशिश करो और लगे कि हम अपने भीतर कुछ अच्छा घटित कर रहे हैं। वो हमारे जीवन व्यवहार को नियंत्रित करेगा, उससे हमारे जीवन में विशेष प्रकार की पवित्रता आएगी, हम बदलाव घटित करेंगे। हमने देखा अधिकतर लोग धार्मिक तो हो जाते हैं लेकिन अंदर से जो घटना चाहिए वो नहीं घटता। शुद्धि की बात करेंगे तो तुम अपने कपड़ों की शुद्धि का ख्याल रख लेते हो, अपने भोजन की शुद्धि का ख्याल रख लेते हो, लेकिन अपनी भावना की शुद्धि, अपने विचारों की शुद्धि, अपनी भाषा की शुद्धि और अपने व्यवहार की शुद्धि पर कितना ध्यान रखते हो ये तुम्हें विचार करना है। जिस दिन इनकी शुद्धि होगी तभी हमारा जीवन तरेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसी शुद्धि का भाव बना कर रखे और अपने जीवन को आगे बढ़ाए। आज सिद्धवरकूट के इस पावन धरा का पहला प्रवचन है। जब तक इस क्षेत्र में है अनुकूलता अनुसार प्रवचन का लाभ तो देश भर के लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, जो यहाँ प्रत्यक्ष लाभ ले रहे हैं। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग यहाँ उपस्थित होंगे, लेकिन ये क्षेत्र का प्रताप है। यहाँ लोग जो घर बैठे ले रहे हैं अवसर, यथा अवसर उनको लाभ मिलता रहेगा। आप सब भी लाभ लें और कोशिश करें ऐसे समय में अपनी आपाधापी से मुक्त होकर सिद्ध क्षेत्र में आए, आकर के धर्म ध्यान करें और स्वपर का कल्याण करने का मार्ग प्रशस्त कर सके, ऐसा प्रयास होना चाहिए। आज अधिक विस्तार देने की मानसिकता नहीं है, यहीं पर विराम लूँगा। महाराष्ट्री आप सबको मंगल भावना कराएंगे, महाराष्ट्री के साथ मंगल भावना धराएंगे। बोलिए परम पूजाचार्य गुरुवत् श्री विद्यासागर जी महाराज।